कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ अकेले में ही देखने के लिए बनी होती हैं, और जब ऐसी सीरीज में दिलचस्प और रचनात्मक कहानियों का तड़का लगता है तो उस मूवमेंट को एक्सपीरियंस करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इस तरह की सीरीज में सोच बदल देने वाली क्वालिटी कंटेंट छिपी होती है, और ऐसे ही दिलचस्प कंटेंट को आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिनमें रोमांस के साथ साथ सस्पेंस, थ्रिलर, कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलेगा, जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होंगे। नाउ गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, सो लेट स्टार्ट। नंबर 5 पे है सेक्स लाइफ। ये जो तीन अक्षर का शब्द सेक्स, इसको शारीरिक आवश्यकताओं से कई आगे एक अत्यधिक आनंददायक के तौर पर सीरीज में दर्शाया गया है। कहानी में सेक्स और लाइफ दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं, लेकिन एक समय पर आकर जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब कहानी में एक नया और दिलचस्प मोड़ आता है। सीरीज में रोमांस सीन एकदम हाई लेवल की देखने को मिलेगी। 8 एपिसोड के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 5.3/10। नंबर 4 पे है वंडरलस्ट, जिसमें इरोटिक रोमांस के साथ साथ एक मजेदार कहानी भी देखने को मिलेगा। कहानी की मुख्य किरदार जॉय अपने व्यावसायिक जीवन को, अपने पति के साथ अपने रिश्ते को ट्रैक पर रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब कोई समाधान नहीं मिलता है तब जॉय अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए एक बोल्ड और अजीब तरीका अपनाते हैं। अब इनका ये बोल्ड और अजीब तरीका इनकी जिंदगी को किस मोड़ पर ला खड़ा कर देता है, ये आपको इस वाले सीरीज में देखना होगा। 6 एपिसोड के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1/10। If you're gonna get literal with an R. Kelly song. नंबर 3 पे है फील गुड। ये एक अनोखी और काफी बोल्ड रोमांटिक वेब सीरीज है, जो साधारण रोमांस से कई गुना बढ़कर एक बोल्ड और रोमांटिक रिलेशनशिप को दर्शकों के सामने रखती है। सीरीज की कहानी एक कॉमेडियन को फॉलो करती है, जो अपने व्यवहार और रोमांटिक नेचर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन एक दिन अचानक उसकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो उसे उसके सारे सीमा पार करने पर मजबूर कर देता है। रोमांस के अलावा कहानी में कॉमेडी और ड्रामा भी देखने को मिलता है, जो इस सीरीज को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। पूरे 12 एपिसोड के साथ ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5/10। नंबर 2 पे है एलीट, जो बहुत ही खास और काफी लोकप्रिय सीरीज है, जिसमें आपको रोमांस के साथ साथ मर्डर मिस्ट्री और थ्रिलर भी देखने को मिलेगा। सीरीज की स्टोरी तीन किशोर के बारे में है, जो एक स्पेन के प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। अब इन तीनों किशोर और वहाँ के पैसे वाले स्टूडेंट के बीच में कुछ मुठभेड़ हो जाती है, और आगे चल के एक मर्डर भी हो जाता है। अब ये मर्डर किसका होता है और इन तीनों किशोरों के साथ क्या होता है, आप इस वाले सीरीज में देखिए, जिसके अभी तक 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं और नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जिसको IMDb पर रेटिंग मिली है 7.5/10। अब मुझे इंसाफ की नहीं पड़ी। तुझे तो मैं बचने का कोई और ऑप्शन है ही नहीं। फाइनली नंबर 1 पे आने वाली मूवी का नाम है लव सिक, जो प्यार से रद्द करने वाली नहीं बल्कि प्यार के बाद हुई दुखद घटना पर आधारित है। सीरीज की मजेदार कहानी इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। सीरीज में हम देखते हैं कि जब मुख्य किरदार यौन संचारक रोग का शिकार हो जाता है, तब वो अपनी सारी महिला साथी को ढूंढता है और ये बुरी खबर उन तक पहुँचाने की कोशिश करता है। अब इसकी पुनर्मिलन वाली यात्रा उसके लाइफ के सारे बोल्ड रिलेशनशिप को दर्शकों के सामने रखती है। इस दुखद और उदास परिस्थिति में भी ये सीरीज काफी मजेदार लगती है। सीरीज के अभी तक 3 सीजन आ चुके हैं और 20 से 25 मिनट के 22 एपिसोड है, जो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, जिनको IMDb पर रेटिंग मिली है 8.1/10। अब यार ये रहे 5 एडल्ट सीरीज जिनका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको बस एक ही सुझाव दूंगा कि आप इन सभी सीरीज को अकेले देखना और अपने सभी टीनेज दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देना।